अतुल प्रसाद को जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का है, भगवान है वो हम लोग, क्योंकि वो उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का घोषणा कर दिया। सब्र का फल मीठा होता है, सुनते आ रहे बहुत दिन से, कितना दिन सब्र कर रहे ये बताइए। दो नाव है, दो नाव पे खड़े होकर क्या व्यक्ति पार कर सकता है? नहीं सर, तो मैं आयो इधर के रहे ना उधर के रहे, बस वही वाली हाल है सर हमारी। क्या नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे, देखिए गर्दनी बाग धरना स्थल पे आपको दिख रहे होंगे शिक्षक अभ्यर्थी है, वही शिक्षक अभ्यर्थी है जो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर रहे हैं। पूछना जरूर है क्योंकि देखिए अतुल प्रसाद ने कहा था कि इस महीने मिल जाएगा रिजल्ट, एक दिन बाकी है, फिर धरना क्यों? सर धरना इसलिए हम लोग आए हैं फिर से पुनः जो गर्दनी बाग स्थान पे, क्योंकि जैसा अभी तक 40 दिन से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक ना आयोग की तरफ से कोई सूचना मिला, ना शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सूचना मिला कि यहाँ कब जारी होगा। सर अब हमारे संयम का जो बांध है ना सर टूट रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा भविष्य जो है अब अंधकार रूपी कुएं में डूब जाए। फॉर्म तो नहीं भरे होंगे TRE 2.0 के लिए जो हो गया। सर कुछ लोग जो इलिजिबल है उन लोगों ने अप्लाई किया लेकिन क्या सभी लोग तो सीटेट पेपर 2 पास नहीं है, लेकिन जो इलिजिबल नहीं हो तो इसी के सहारे। लेकिन मैं इस पे मैं कहना चाहूंगा जो लोग इलिजिबल है जो भर भी चुके हैं वो भी लोग असमंजस में सर क्या करें, किताब भी सर उठाते हैं ना तो एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का फिर बात आता है, फिर पढ़ाई फिर चौपट हो जाता है। यानी दो नाव है, दो नाव पे खड़े होकर क्या व्यक्ति पार कर सकता है? नहीं सर, तो मैं आयो इधर के रहे ना उधर के रहे, बस वही वाली हाल है सर हमारी। क्या करिएगा, करेंगे क्या सर? इसके बाद बस हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां का दरवाजा खटखटाएंगे। अतुल सर ने बोला था सब्र करने, कितना सब्र करे सर आप ये बताइए ना सर, सब्र का फल मीठा होता है, सुनते आ रहे बहुत दिन से, कितना दिन सब्र करे ये बताइए। सब्र का फल मीठा होता है, वही तो, कितना सब्र करे, कितना कब तक सब्र करे सर, कोई डेट भी तो बताइए, कुछ तो बताइए सर, आप कुछ बता ही नहीं रहे। आप बताइए कि आप टीचर हैं, गुरुजी हैं, लोग ये बताइए कि क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी जिस पर सबको विश्वास है, मुझे पूर्णतः विश्वास है बीपीएससी कार्यशैली पर, खास तौर पर उसके चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर पर। उन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है वो सब कंडीशनिंग है, मतलब सशर्त है, अर्थात बदलाव होते रह रहे हैं और अभी तक बदलाव हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ है कि 1,20,000 तक में जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ और अभी तक मात्र जो है 80,000 प्लस योगदान दिए हैं, यानी अभी भी सीट रिक्त है, यानी वैसे अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस सीट पर उन्होंने कहा था उसको हम मोर देन सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरेंगे और आज वक्त बहुत ज्यादा जाया हो चुका है, यानी बर्दाश्त अब बच्चे। आपके बगल में जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका होगा क्या कोई आइडिया? देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जिनका हो गया, कहने का मेरा मतलब हुआ कि वो अभ्यर्थी भी सिलेक्टेड थे, ऐसा नहीं कि फर्जी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या उनके पास में अपर्याप्त डॉक्यूमेंट है। अतुल प्रसाद पे भरोसा है कि नहीं ये बिल्कुल क्या बात कर रहे, मैं उनका खुद फैन हूँ, मैं उनकी बात को हमेशा बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कार्यशैली उनकी गुरुजी फैन है, आप बताइए कि आपको भरोसा है? हम तो अतुल प्रसाद को जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का है, भगवान, उसी तरह हम लोग बीपीएससी कारण भगवान है वो हम लोग, क्योंकि वो उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का घोषणा कर दिया और 3 बार मीडिया में आके बोले हैं और ट्विटर हैंडल पर भी आधिकारिक ट्विटर पर ट्वीट किए, लेकिन हमको लगता है सर सो गए हैं क्या पता नहीं, आज 42 दिन होने को एक कम से कम डेट तो बता देना चाहिए। हम लोग रोज रोज उनकी दिन बचा है इस महीने को अंत होने में, हम लोग रोज रोज क्या बोले थे जानते हैं, उनकी बात को बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट जो है ये कंडीशनल है, जो मल्टीपल रिजल्ट है, जो ड्रॉप आउट है, उन पर जो भी बालियां उत्पन्न होगी। मास्टर ब्लास्टर बोल रहे हैं लेकिन उम्मीद नहीं लग रहा कि आप कौन से हैं। उम्मीद पूरे पूरे है, तो उसको हम भगवान मान रहे हैं हम लोग, और हम लोग डेली उनके वीडियो को शाम में देखते हैं, रोज रात में रोज देखते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरे वाला वीडियो देखते हैं। हाँ देखते हैं और सो जाते हैं, सुबह उठते हैं सोचते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सुबह फिर नहीं आता है, लेकिन पूरा विश्वास है क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद वो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं उसपे खड़े होते हैं। तो एक दिन रुक जाते घर पर क्यों नहीं थे कि यहाँ आ गए? बोला तो नहीं गया चेयरमैन द्वारा कि भरोसा है तो यहाँ क्यों आई बताइए? भरोसा है इसलिए उसको आया कि याद दिलाने के लिए कि सर आप भूल तो नहीं गए हैं, भरोसा है तो यहाँ क्यों? जी सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे सर कि जो अतुल सर है वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ रहता है उसका कुछ गरिमा होता है, और ये जो है जो एक बार वो कमिटमेंट कर दिए हैं कि हाँ हम लोग रिवाइज रिजल्ट देंगे सर, हम लोग को पूरा उम्मीद है सर, पूरा उम्मीद है। तो आप कहाँ से आएंगे? सीवर से। उम्मीद है अतुल प्रसाद, कल 30 तारीख है, कल आखिरी दिन इस मंथ को, कहा गया था कि इस मंथ दिया जाएगा, आज बस एक दिन बच रहा है सर, वही हम लोग मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी निकाले, कहीं हम लोग का उम्मीद अब डगमगा रहा है, फाइनल डेट निकाले हम लोग का भरोसा हो, हम लोग का पढ़ने में भी मन न लग रहा है, 4 साल डीएड बीएड सीटेट करने में लगा, समय बहुत बर्बाद हो रहा है, चलता है करिएगा क्या सर? सुपरमेंट्री रिजल्ट के मांग कर बोल रहे हैं, मिलेगा भरोसा तो मिलेगा,
हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि अब हम लोग के सब्र के बांध का अब और परीक्षा नहीं लें। हम लोग 42 दिनों से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार पोस्ट डाल रहे हैं। पोस्ट और ट्वीट डालने से कुछ नहीं होता सर, सबसे बड़ी बात है सरकार की मंशा होनी चाहिए। जितने अभ्यर्थी रोड पर हैं और उनको बोर्ड पर लाने के लिए अगर सरकार की मंशा हो जाएगी तो एक दिन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। क्यों नहीं दिया जा रहा है आपके हिसाब से? क्या हो रहा है, सीटों का खेल हो रहा है या कुछ हो रहा है या कुछ गड़बड़? निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ियां अंदर खाने में हो रही है जो कि हम छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि जब आज से 42 दिन पहले कहा गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया था। अतुल प्रसाद से कि खुश है? खुश है, लेकिन सर की कार्यशैली जैसे शिथिल हो गई है इस पर हम अपनी शंका जाहिर करते हैं कि सर अविलंब अपने एक्शन में है और जिसके लिए वो जाने जाते हैं, अविलंब कल 30 का डेट है और 30 को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने कह दिया है कि अतुल प्रसाद आप एक्शन में आ जाए क्योंकि एक दिन बच रहा है। अब होगा क्या हम लगातार आपको दिखा देना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, धन्यवाद।